वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि सर स्पोकन कैसे करें, सर स्पोकन और राइटिंग कैसे करूं, सर राइटिंग और स्पीकिंग नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया कि एक एक बेसिक को उठाया और उठा करके मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप जितने सेंटेंस चाहो बोल सकते हो, चाहो लिख सकते हो। अब यहां पे एक V3 होता है, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको कितने तरह से यूज कर सकते हो आप, कितने बेहतर बना सकते हो आप, ये आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे, ताकि आप अंग्रेजी बोलने में लिखने में कभी कोई दिक्कत ना हो। हम बात करें वर्ब के थर्ड फॉर्म की। अब यहां पे गौर देखिए, V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप इसको बना सकते हो एडजेक्टिव, बना सकते हो नाउन, बना सकते हो वर्ब, बना सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब, बना सकते हो पास्ट पार्टिसिपल। अब ये है क्या सर, इसके बारे में चर्चा करके एक एक पार्ट उठाता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि V3 के बारे में आपने बचपन से सुना होगा। अगर मैं वर्ब की बात करूं, एक टर्म को उठाऊं, तो आपने टेंस का नाम तो सुना होगा। तो एक V3 के माध्यम से आप हर तरह से यूज कर सकते हो। तो हमने कहा कि V3 एज अ वर्ब, यानी वर्ब की तरह आप इसका यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। तो कहां कर सकते हैं भाई, तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद बस ध्यान देना आप, हैज लगाओ, हैव लगाओ, हैड लगाओ, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हो। यह हो गया प्रेजेंट और यह हो गया पास्ट, ये दोनों हो गया परफेक्ट टेंस, जिसको हम टेंस का नाम देते हैं। जैसे हमने बोला आई हैव गॉन देयर, तो गॉन यहां क्या हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। आप बोल सकते हो ही हैज कम हेयर, ही हैज कम हेयर, आई हैव गॉन देयर, है ना। तो यहां पे हमने हैज हैव, हैड का प्रयोग कर सकते हैं। ये हैज के स्थान पे आप हैड का प्रयोग कर सकते हो, आई हैव के स्थान पे हैड का प्रयोग कर सकते हो, आई हैड गॉन देयर, ही हैड कम हियर। तो यहां पे क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का मिशन हुआ। यहां प्रयोग हम लोग कर सकते हैं V3 को एज अ वर्ब के रूप में। सेकेंड थिंग हम बात करें यहां पर, तो जब आप V3 को वर्ब बना रहे हो, एक रूल हमने, एक रूल यहां से उठाया और एक रूल उठाकर मैं आपको दे रहा हूं कि V3 को एज अ वर्ब यहां प्रयोग कर सकते हैं आप, कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। इसे आप कहते हो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी V3 का एज अ वर्ब का यूज कर सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। हमने कहा तुम्हें पीटा गया है, हमने बोला तुम्हें पीटा गया है, यू हैव बीटन। अगर बोले पापा के द्वारा, तो यू हैव बीटन बाय योर फादर, तो यू हैव बीटन को ही पीट दिया है, मुझे चुन लिया गया है, आई हैव सिलेक्टेड। तो आई, अब हम वो देखें तो वर्ब की तरह हम इज एम आर का प्रयोग सेकंड कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं भाई, तो पैसिव वॉइस में कहां कर सकते हैं, वो ध्यान दो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अब इज एम आर हो या वाज वर हो, तो इसके साथ भी आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। इज एम आर वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। जैसे हमने कहा कि मुझे चुन लिया जाता है, तो हमने कहा आई एम सिलेक्टेड, आई एम सिलेक्टेड, मुझे चुन लिया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, यू आर टॉट। इस तरह से आप वर्ब का यूज वर्ब की तरह कर सकते हो, V3 का प्रयोग आप वर्ब की तरह कर सकते हो। अगला सेंस देखें, अगर आप चाहो तो V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड के साथ आप बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा मुझे चुन लिया गया है, आई हैव बीन सिलेक्टेड, हमने क्या कहा, आई हैव बीन सिलेक्टेड, मुझे चुन लिया गया है, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट इंग्लिश, मुझे चुन लिया गया है, आई हैव बीन सिलेक्टेड, सब्जियां बेची गई हैं, वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड, तो बेची गई हैं, हैव बीन सोल्ड, बेची गई थी, हैड बीन सोल्ड, तो इसका एक प्रयोग देख लिया आपने। तो इस V3 की तरह आप सारे टेंसेज में, सारे वॉइसेज में आप इसका प्रयोग
कर सकते हो एज अ वर्ब, राइट। अब देखते हैं कि वी थ्री का नेक्स्ट यूज क्या है। वी थ्री का जो नेक्स्ट यूज है आप देख रहे हो एज अ नाउन, यानी वी थ्री को आप नाउन बना सकते हो बच्चे, यानी वी थ्री एज अ नाउन। अब बताओ नाउन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। अब नाउन का मतलब सब्जेक्ट बात होती है, यानी कि आप कर सकते हो वी थ्री प्लस इज प्लस वी थ्री। अब देखो इज तुम्हारा वर्ब, इज तुम्हारा वर्ब है, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे हो गया सो हो गया, डन इज डन, हो गया सो हो गया, डन इज डन, है ना। लिखित है, लिखित है, लिखित लिखित है ना। हो इसका हिंदी क्या हुआ, हो गया सो हो गया, डन इज डन, लिखित लिखित है, रिटन इज रिटन, रिटन इज रिटन, लिखित क्या है, लिखित लिखित है, डन इज डन, हो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिनिश्ड इज फिनिश्ड, फिनिश्ड इज फिनिश्ड, डन इज डन, क्लियर। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो एज अ नाउन, किसका प्रयोग, वर्ब के थर्ड फॉर्म को आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला प्रयोग देखिए, हम लोग वी थ्री का प्रयोग कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। अब एज एन एडजेक्टिव क्या है वो जानने का प्रयास करें, यानी वी थ्री का आप काम कर रहे हो एज एन एडजेक्टिव, यानी वी थ्री का प्रयोग आप एडजेक्टिव के जैसा कर सकते हो। कैसे वो ध्यान दीजिए, हमने कहा आई मेट, मैं मिला, आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। अब ध्यान दीजिए बच्चे कि जब कोई वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए तो उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं वर्ब का, यानी एडजेक्टिव कहते हैं। जब कोई वी थ्री का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए, एक गर्ल यहां पे क्या है बाबू, गर्ल क्या बच्चे, नाउन। तो जब कोई वी थ्री का प्रयोग नाउन से पहले किया जाए उस वी थ्री का नाम होता है एडजेक्टिव, और उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और इसी को हम नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, नॉन फाइनाइट। यानी नॉन फाइनाइट का मतलब हुआ यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब लाया गया हो तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहां पे यह भी वर्ब है, यह भी वर्ब है, तो यह वर्ब सब्जेक्ट के पास है इसलिए फाइनाइट वर्ब, और जो सब्जेक्ट से डिस्टेंस में है उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। तो यह आपका हो गया नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी नॉन फाइनाइट भी यही है, एडजेक्टिव भी यही है, पास्ट पार्टिसिपल भी यही है, और कोई से काट नहीं सकता, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, तूफान हो, दुनिया का कोई टीचर, कहीं पढ़ रहे हो आप, इसको आप ध्यान रखना, जो पढ़ा रहा हूं यही सत्य है, इसी को मानो, तभी आप एक एक वर्ड को सीख पाओगे, कॉन्फिडेंस आ पाएगा, नहीं तो आप डगमगाते रहोगे कॉन्फिडेंस में। इसके कई नाम है, कोई कहे वित्री है, बिल्कुल कहो कि हाँ भाई वित्री है, कोई कहे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले है एडजेक्टिव है, कोई कहे पास्ट पार्टिसिपल है, बिल्कुल पास्ट पार्टिसिपल है, कोई कहे नॉन फाइनाइट है, बिल्कुल नॉन फाइनाइट है। यानी कि वह वित्री का प्रयोग अगर नाउन से पहले किया जाए तो वह वित्री पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, बाकी वित्री का प्रयोग एज अ वर्ब, एज अ वॉइस, एज अ नाउन आप कर सकते हैं। एक ही अंग्रेजी का सिलेबस इतना सा है बेटा, एकदम छोटा सिलेबस है, बस सिस्टमेटिक आप यूट्यूब पे फॉलो करो, अंग्रेजी आपका बेहतर हो जाएगा, हमने दावा उठाया है, बिना उठाए सिखाने का, तो आप सीख जाओगे। तो हमने कहा आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, एग्जाम्पल और सुन लीजिए, हमने कहा आई मेट अ टायर्ड मैन, हमने कहा आई मेट अ टायर्ड बॉय, टायर्ड का मतलब क्या हुआ, थका हुआ लड़का, तो कोई भी थका हुआ हो, टायर्ड हो, वहां भी प्रयोग कर सकते हो आप, जो बोलने कहा ही कैरीड अ लोडेड गन, ही कैरीड अ लोडेड गन, गन क्या है नाउन, और नाउन से पहले लोडेड क्या हो गया एडजेक्टिव, तो ही कैरीड अ लोडेड गन, तो यहां पे जो लोडेड वर्ड है वो क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से बच्चे उसी को हम, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, वही कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल और वही कहलाता है नॉन फाइनाइट। यानी तीनों फॉर्म आप देखो तो लगभग एक का ही नाम है, वी थ्री का ही नाम है, उसी वी थ्री को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। दुनिया के सारे एडजेक्टिव, दुनिया के सारे एडजेक्टिव वी थ्री नहीं है, लेकिन जो वी थ्री होगा वो पास्ट पार्टिसिपल हम उसको बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ, जैसे बोलते हैं लिखित पत्र,
रिटेन लेटर। अब लेटर क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या हो गया? रिटेन। रिटेन क्या हो गया? वी3। वी3 का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, है ना। लिखित लेटर, तो आई फाउंड अ रिटन लेटर। तो रिटन कोई भी नाउन से पहले आप लगा सकते हो, आप वी3 लगा सकते हो, वो आपका हो जाएगा क्या? पास्ट पार्टिसिपल। लिखित पद, हमने कहा खोया गया चश्मा, तो हमने क्या किया? खोया हुआ, लॉस्ट स्पेक्टेकल्स। तो जो भी नाउन से पहले आप लगा दो, जो काम हो गया, फिनिश्ड हो गया। वी3 का मतलब क्या होता है? फिनिश्ड एक्शन। तो जहां भी फिनिश लगा दोगे, वी3 का प्रयोग आप कर सकते हो, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आप सारे बच्चों को मदद करिए, और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।